मोजस सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, हमारी मोजस कैबिनेट, मोजस सदर लाहौर बार, उनके इंतहाई काबिले तराम कैबिनेट, मेरी बहनें, मेरे भाई और आइन के महाफिज मेरी बार, मुझे आप पे फख्र है। मोहतरम साथियों, अभी बात हो रही थी, मैं आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर, पहले मैं यही वाला हॉल था, इधर ही हम मौजूद थे, मेरा तल्लुक तो किसी सियासी जमात से नहीं है, मेरा मैंने काला कोट पहना है और हमारी स्ट्रगल रूल ऑफ लॉ की है। जब से हम बार में 22 साल हो गए, 24 साल हो गए हैं, आप भाइयों और बहनों के साथ जो जो भी साथी आया जिसके ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई और उसके साथ हम लोग सारे साथियों ने मिलकर आवाज उठाई, आइंदा भी यही होगा। यही हॉल था, यही जस्टिस काजी फायज ईसा थे जिनके खिलाफ एक रेफरेंस आया, हम इधर हॉल में दाखिल हुए, मेरे साथ मेरे दो साथी थे, तो इधर कुछ हमारी सियासी जमात के हमारे कुछ साथी उनके खिलाफ नारा लगा रहे थे और बड़े वो जज्बे में थे, तो उधर आगे हमने एक नारा लगाया कि ये जो रेफरेंस गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो रेफरेंस गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो आज भी हम खड़े हैं, हम आज भी उन्हीं कुवतों के खिलाफ खड़े हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सी सियासी जमात आज हमसे खुश है या कौन सी नाराज है, हमसे तो वैसे ही नाराज रहती है, मुझे तो वैसे ही इलेक्शन में किसी सियासी जमात ने कोई सपोर्ट नहीं किया, सब मेरे मुखालिफ ही थे। तो मेरे बहन भाई जो सियासी जमातों के कारकुन हैं, जो सियासी जमातों के कारकुन हैं, मैं हर सियासी जमात के कारकुन को सलाम पेश करती हूँ, हर सियासी जमात का कारकुन इस मुल्क को बेहतर करने के लिए और वो ख्वाब लेके जदोजहद करता है। एमआरडी की मूवमेंट थी, उसके बाद वुकला तहरीक आई, उसके बाद हमने बाकी क्राइसिस देखे, मेमो गेट आया, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, सियासी जमातों, कोई जज किसी सियासी जमात का नहीं होता, जज भी आइन का होता है। मेमो गेट आया तो पीपल्स पार्टी आपसे नाराज हो गई, क्वेटा कमीशन रिपोर्ट आई जहां पर हमारे भाइयों को शहीद किया गया, वो आज भी हमारे दिल के अंदर, वो आज भी हमारी नजरों में, एक हमारे दिल में वो दुख है कि जिसका आप लोग मुदावा नहीं कर सके। हमारे भाई उनकी शहादत के ऊपर जब रिपोर्ट आई तो नून लीग नाराज हो गई जस्टिस फायज ईसा से, उसके बाद फैजाबाद वाली आई तो तीसरी पीटीआई के साथी नाराज हो गए। हम आज भी आपसे तवक्को करते हैं कि कोई भी नाराज हो, कोई भी राजी हो, इस आइन को आपकी जरूरत है, इस काम को आपकी जरूरत है, आप मुल्क के अंदर आइन को बहाल करें। अभी मेरे भाई ने कहा फैजाबाद धरना केस, बिल्कुल फैजाबाद धरना केस के ऊपर भी बात होनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ, मैंने पहले भी मुतालबा किया था कि जैसे बर्तानिया में क्रॉमवेल को फांसी दी, उसकी कबर को अलामती फांसी दी जो आइन शिकन थे, मैंने पहले भी मुतालबा किया, मैं आज फिर करती हूँ कि आप भी पाकिस्तान के आइन शिकनों की कबरों के ट्रायल करें। लेकिन इस सबसे ज्यादा जरूरी एक बात है कि इस वक्त जो नकाबपोश आइन पे हमला आवर है उनके नकाब उठाना भी जुडिशरी की जिम्मेदारी है, उठाए इनके नकाब और मुल्क के अंदर सियासी अमल को बहाल करें। कल एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक इलेक्शन नहीं होगा, 90 डेज के अंदर इलेक्शंस करवाएं, 90 दिन में इलेक्शंस करवाएं और मुल्क के आईनी जो मुल्क के शहरी हैं उनके बुनियादी हकूक का तहफुज करें। कल हमारे साथी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल काउंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन साहब, अवामी वर्कर पार्टी के कॉमरेड हैं, उनके ऊपर पर्चा किया, मैं उसकी शदीद मुजम्मत करती हूँ। मैं ये भी मुतालबा करती हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कि मंटो साहब की पटिशन जो जागीरदारी के खिलाफ है, उस जागीरदारी के खिलाफ पटिशन सुप्रीम कोर्ट में 40 साल से तकरीबन पेंडिंग है, क्यों नहीं लगाते वो पटिशन, लगाए मंटो साहब की पटिशन। अस्करी अशरफिया उसके साथ करप्ट
सियासी अशरफिया ने इस मुल्क को बर्बाद किया है, इन लोगों के गठजोड़ ने बर्बाद किया। बाहर जजीरे बने, सरमायादार यहाँ से दौलत लूट के ले गया, उधर से आप कर्जे लेते हैं जो हमारा बच्चा बच्चा उसको पे करता है, और आप लोग अपनी जायदादें बनाकर आप विजिट के ऊपर पाकिस्तान घूमते करने आते हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब पूरी कौम का हर नौजवान, हर सियासी पार्टी का वर्कर अपनी सियासी पार्टी का भी एहतसाब करे, ताकि मुल्क के अंदर जो आम शहरी है उनको जीने का हक मिले। ऑनरेबल चीफ जस्टिस, बड़ा अच्छा लगा आपकी अहलिया आपके साथ खड़ी थी, बहुत ताकतवर पैगाम उन कुव्वतों को आपने दिया, लेकिन वही पैगाम मेरी बहनें जो मशकूक वाकिए में, जो 9 मई के वाकिए में 150 दिन से अंदर है, करें उनके लिए इंसाफ, ताकि वो भी एक ताकतवर पैगाम दें उन कुव्वतों को। मेरी बहनें वो पैगाम दें, तो वो शायद उनके पास वो मुकाम नहीं कि वो भी उस जगह पे खड़ी हो जाती, लेकिन अगर उनको इंसाफ मिल गया तो ये बहुत ताकतवर पैगाम होगा उन हलकों के लिए। अब चूंकि वक्त कम है, हमने बाहर भी निकलना है, मैं आखिर में एक बात कहूंगी, पूरी पाकिस्तानी कौम को हम रابطे भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ निकलना चाह रही है, कोई सरेंडर नहीं करना अपने अपने हकूक के लिए। ये हमारा मुल्क है, ना सब मुल्क छोड़ के जाते हैं, ये हमारी धरती है और हमने इधर रहने हैं, हमने उन कुव्वतों का एहतसाब करना है जिनका कोई एहतसाब नहीं कर सकता। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं जो हमारे ऊपर काबज हैं, जो हमारे वसाइल को लूट रहे हैं, और आप और ये जो आज रेजोल्यूशन मेरे भाई ने उस बच्चे के बारे में दी, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत तकलीफ है, और ये जो निजाम है ये हमारे एक नहीं सारे बच्चों के जज्बात का, उनके मुस्तकबिल का कत्ल निजाम है। इस निजाम को तब्दील करना है आपने। और एक आखिर में मैं जरूर, अभी मेरे एक यंग भाई ने गिला किया, बिल्कुल मैं एक बात क्लियर कर दूं, बार एहतसाब करे, सारे ग्रुप साहब के सामने हैं, मैं अपने आप को और अपने ग्रुप को पेश करती हूं एहतसाब के लिए, सबको कोई बराबर नहीं है। अभी उसने कहा सब बराबर है, कोई बराबर नहीं, हमने नजरियाती सियासत की है और सबको पता होना चाहिए कि कौन 10 महीने एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता है और इलेक्शन। आपको पता है, आपको पता है ये LFO की जद्दोजहद हमने चलाई, वुकला तहरीक हमने चलाई, बेशक उसके बेनिफिशियरी कोई भी थे वो आप लोगों ने और हम लोगों ने चलाई। उसके बाद जब PTI की गवर्नमेंट आई तो हमारे कायद ने उसको कहा कि तुम लोग गलत कर रहे हैं, उनके मुंह पे जवाब दिया, ले आई लीडर्स, ले आई कौन, उनको जवाब देते हैं सियासी जमातों को, जब हुकूमतें चली जाती हैं तो उनके एजेंडे के लिए ये बाहर पॉलिटिक्स करने आते हैं, आप खुद एहतसाब करें, हम गलत है तो हमें कहें। और मैं मुनाजरे का चैलेंज करती हूँ, बाहर का कोई भी साथी, कोई भी लीडर अगर मुजाकरा करना चाहते हैं, कोई मुनाजरा करना चाहते हैं कि किसने बाहर को लूटा, मैं चैलेंज करती हूं। और आपने अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने सबको बुलाया, उन्होंने सबको बुलाया, हमारे लिए सब ऑनरेबल हैं जिनको बार इलेक्ट करती है, हमने हमेशा उनका साथ दिया और आगे भी देंगे, लेकिन फैसला बार ने करना है। और आखिर में पूरी कौम जो है अपने हकूक के लिए निकले, क्योंकि आपको पता है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पे लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे दरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, और हम अहले सफा मर्दूद हरम तख्त पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त घुराए जाएंगे, हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे।